तो जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे जो पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं जिन्होंने व्रत रखे हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप ये दृश्य जो है पानीपत के असंध रोड से देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर नहर पर पहुँच रहे हैं और इस तरह से कई लोग आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने व्रत रखा हुआ है लेकर ये पहुँच रहे हैं नहर पर, घाट पर ये पूजा करेंगे। ये आप थोड़ा सा आप इनके साथ हैं? हाँ जी, हम इनके साथ। ये आप ऐसे कोई मन्नत मुन्नत मांग रखी है आपने? हाँ जी, मन्नत मांग रखी है। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं बिहार से। अभी यहाँ से पानीपत से? पानीपत से। तो ये आपने व्रत रखा हुआ है? हाँ जी। तो ये जहाँ आप रह रहे हो अभी वहाँ से ऐसे आ रहे हो? नहीं नहीं, मंदिर से। मंदिर से आ रहे? मंदिर से। हर साल रखते हो? हर साल रखते हो? हाँ जी। तो कोई मन्नत मन्नत मांग रखी थी पूरी हो गई या आगे? अभी बाकी है, एक्सीडेंट हो गई है ना उसकी मन्नत मांग के। किस चीज के? एक्सीडेंट गाड़ी में जो हो गया था। तो क्या मन्नत कुछ बताना चाहेंगे? वो एक्सीडेंट हो गया था ना उसके मतलब व्रत करने चाह रहे हैं, हमको जिला दिया भगवान ने, उनको मुकवत पूरा कर दिया। अच्छा, मन्नत आपकी पूरी हो गई है और पूरी करने जा रहे हैं आप? क्या करेंगे यहाँ पर? वहाँ पर जाके पानी में खड़ा रहेंगे। पानी में खड़े कितने देर रहेंगे? जब तक ये सूर्य डूबेगा तब जा तक सब रहेगा तब तक रहेंगे। आपने पूरे व्रत रखे हैं तीन चार दिन जो होता है? पूरे व्रत रखे। तो आज सुबह से क्या खाया क्या पिया? किसी ने बिना पानी वगैरह बिना व्रत रहता है तीन दिन। जो जो जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है या जो लोग मन्नत जिनकी पूरी करवानी होती है वो इस तरह करते हैं? हाँ जी, वही करते हैं। आप इनके साथ हैं? जी, मैं इसके साथ हूँ। आपने कुछ भी मन्नत मुन्नत नहीं रखी? नहीं, अभी तक तो मैं ऐसा नहीं किया हूँ। हाँ, कितना कठिन होता है ये व्रत जो तीन दिन का चार दिन का होता है? एक साल रहता है। बहुत कठिन होता है, ना पानी ना कुछ, बहुत कठिन होता है, ना पानी पीना ना कुछ खाना, ना खाना नहीं खाया चौबीस चल जाता है लेकिन बिन पानी कैसे चलता है वो मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन फिर भी कर लेते, माता रानी के आशीर्वाद से सब पार लगा देते हैं। कल से पानी नहीं खाना नहीं, अभी कल जाके जब सुबह में अगर देगा तो ही खाना खाएंगे, नहीं तो उससे पहले खाना हमने नहीं। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। बच्चे भी आपके आपके काम? हाँ। बिहार में यहाँ हैं? नहीं, यहीं पर। वो भी आपके साथ ऐसी व्रत? हाँ, रखते हैं? नहीं, नहीं नहीं नहीं, उनका अलग अलग व्रत है। इसने मांगा है, इसके लिए इसने ही पूरा करा। अच्छा। हाँ, इसका परिवार अभी पानी में खड़ा होगा। हाँ, कठिन व्रत होता है ये औरों से जितना भी है? ये सबसे बिहार में सबसे बड़ा व्रत यही है। हाँ, कठिन होता है लेकिन सब पार लगा देते हैं, सब सहारा रहता है उसके या नाम लेके पार। व्रत यही है। तो ये देख सकते हैं अभी बता रहे थे बिहार से हैं ये और पानीपत में रहते हैं, जैसा बता रहे थे कि उनकी मन्नत थी, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान इन्होंने मन्नत मांगी थी और मन्नत के दौरान इनकी जो मन्नत थी वो पूरी हो गई और इसके बाद पानीपत में जहाँ पर ये रहते हैं संत रोड से ये ऐसी आ रहे हैं और एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है ये त्यौहार और इसी त्यौहार को मनाने के लिए आज हजारों जो प्रवासी लोग हैं इस व्रत को रखते हैं। बड़ा कठिन व्रत ये तीन दिन होता है, कल सुबह जाकर ये लोग जल ग्रहण करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें पानीपत के असंध रोड से आप ये देख रहे हैं, ऐसी कई तस्वीरें जो है आपको देखने को मिलेगी। पहले भी से पहले कई लोग जो है जिन लोगों ने मन्नत पूरी हुई है और वो यहाँ से ऐसे गए हैं और लाइव तस्वीरों में हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था कि एक महिला से जब मेरी सहयोगी ने इंटरव्यू किया था तो उस महिला के कहना था कि उसको कभी बच्चा नहीं हुआ लेकिन जब उन्होंने छठ मैया का व्रत रखा तो उनके घर में खुशियाँ आ गई। और भी कई मान्यताएँ हैं इस व्रत की तो लाइव तस्वीरों में आपको दिखाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें नहर के घाट से हम लोग दिखा रहे हैं, संत रोड पर अभी हजारों लोग जो हैं जुटे हुए हैं और इसी तरह की लाइव तस्वीरें हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। जो टोकरा रखा हुआ है उसमें तकरीबन जितने भी फल होते हैं वो फल आज यहाँ पर रखे जाएंगे और उसी से जो है पूजा अर्चना की जाएगी। सज धज कर तैयार होकर ये प्रवासी लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। पानीपत के अलग अलग स्थानों में इस समय ये त्यौहार जो है मनाया जा रहा है, गोहाना रोड, असंध रोड, जाटल रोड, बाबरपुर और इसके अलावा आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सराना और समालखा में ये त्यौहार जो है ऐसे मनाया जा रहा है। ये गन्ना लेकर जा रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये गन्ना किस लिए लेके जाते हैं? पूजा करने के लिए जी।
ये चारों दिन ये रखा जाता है कि आज सिर्फ आज के लिए करना है। आज और सुबह पूजा होता है गंगा मैया का। और ये सिर पे क्या है? ये प्रसाद है। अच्छा प्रसाद है। तो ये प्रसाद यही चढ़ाएंगे ले जाएंगे? हाँ चढ़ाएंगे भी ले जाएंगे भी, कुछ चढ़ जाएगा कुछ लेके जाएंगे। अच्छा अभी मैं यहाँ देख रहा था कुछ लोग लेट के जा रहे थे नीचे। उनको मान्यता जो पूरा हो जाता है ना वो करते हैं, जो पूरा हो जाता है वो करते हैं। किसी को गछा रहता है कि मैंने हमारा ये मनोकामना पूरा हो जाए, हम आपको मन्नत मांगते हैं, इसलिए वो ऐसे करके जाते हैं। कष्टी कष्टी। हाँ जी। जब कष्ट खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। इस तरह से जाते हैं। अच्छा आप लोगों ने भी व्रत रखा है? हाँ जी। मेरे घरवाली रखे हैं जी। आपके घरवाली रखे हैं। कैसा ये त्योहार होता है? मतलब बड़ा सुना है बड़ा कठिन सा त्योहार होता है ये आपका व्रत जो रखते हैं आप? 24 घंटा बिना पानी का अन्न जल रहते हैं लेडीज। अच्छा हाँ। तो ये कह रहे थे कोई द्रौपदी का आपने भी व्रत रखा? ये कब से व्रत रखते आ रहे हैं आप? ये मैं 3 दिन से हो गया। 3 दिन? 3 दिन से। हाँ। ये क्या मान्यता क्या है इसकी? अभी कुछ बता रहे को द्रौपदी भी रखती थी ऐसा व्रत? हाँ सब रखते जी, मानता रखते हैं पति के लड़के के लिए ना, मानता रखते हैं इसलिए व्रत करते उनकी लंबी उम्र के लिए। अच्छा। हाँ घर बार सब मिलते हैं हमारे। तो 3 दिन खाना पीना कुछ नहीं होता? कुछ नहीं, बन पानी सब त्याग देते हैं। तो ये सिर्फ जो विवाहिता है वही रख सकती है, कोई कुंवारी लड़कियां भी रखती है ये? कुंवारी नहीं, जो विवाहिता है वही रखेंगे। अच्छा तो आज यहाँ पर क्या होगा? आज उनकी अर्घ लेंगे, छठ माई सूरज मान के अर्घ देंगे। तो ये मान्यता है जिनकी पूरी हो जाती है तब लेट कर ये लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए पूजा करने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें आप पर ज़्यादा से ज़्यादा सेज उधर पानीपत के असम की ओर से आपकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक झलक पीछे की ओर आपको दिखा दें, ये पानीपत पुलिस जो है मौके पर तैनात है। पानीपत के तमाम जितने भी एरिया यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर पानीपत पुलिस आपको तैनात मिलेगी, क्योंकि एसपी ने बकायदा जो है आज ट्रैफिक पुलिस और पानीपत पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तो अंदर भी ले चलेंगे आपको, वहाँ की भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार। सैमसंग LED टीवी, वेस्टर्न LED टीवी, वेस्टवे LED टीवी, वर्ल्ड क्लास LED टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस, आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग ओप्पो वीवो, आसान किस्तों में, जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत, 9812214543। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.